ऐसे यमुना नदी है जो काफ़ी खूबसूरत और नज़ारा में भरपूर है, जो नेचुरल प्रकृति द्वारा है। ये भाई लोग देखो फोटो खिंचाने लगे, बोले तो जहाँ बैकग्राउंड अच्छा मिला नहीं वहाँ फोटो खिंचाने के लिए फिर है नंबर बिट्टू। बस कोई ऐसी जगह देखो जहाँ नहाने को मिले यार, नहाने को मिलेगा सेट वहीं महादेव में। गाइस हीरो दिखता है कहीं ना कहीं, वो पहाड़ में पानी गिरता है ना, ये सब भाई लोग है। हाँ वो झरना गिरना बताओ यार, शिवम भाई जो काफ़ी आकर भाई एक फोटो मेरी भी तो खींच दे, फोटो तो ले तो दिवस लेना मेरी ठीक है। मैं अरे एक मेरी लेना बे, ये फोटो मैं बिट्टू भाई बस बताइए। ये देनवा नदी है, इसकी ऊंचाई फिर भी कुछ नहीं तो 450 फीट होगी, 450 फीट से ऊपर ही होगा। मैं तो कोई तो फोटो एक बार दोनों पूछ के देखते, बच गया तो जन्नत मिल जाएगी। अब हाँ पूरा ग्रुप खींच लेते, बाकी इतने लोग आए फोटो खींच दिया, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, फोटो वीटो शूट कर लेते हैं वहाँ से आए हैं तो। ठीक है गाइस, अरे भाई हालत मस्त हो जाएगी। फोटो खींचने का अलग ही एक चस्का होता है। दीपेश भाई नाश्ते हुए दुपट्टा तो भाई साहब ये घूमने के बाद चलते अपन। पचमढ़ी जाते हुए भाई लोग को जीप लगी तो फोटो वोटो लेने के लिए। अबे मेरी फ्री में भोटली गई तुमका पूरे खा के देख रहे, चलो कोई बात नहीं, दिल बहुत बड़ा भाई, आधे ले लो बे, 50 रुपए दे देना पूरे रख ले, 50 से तो वैल्यू नहीं होती, पचास दे। तो गाइस शाम खाने के लिए रुके थे सभी लोग, पैसे दो बे, कितने देना, 50। अबे कितने का चेंज मिल जाएगा, नहीं नहीं मिल पाएगा, अरे यार अबे ब्लॉग पे तो मतलब हमको वो मत दिखाया।
सही में झाड़ के पके है ना? अरे बिल्कुल झाड़ के पके, आपका टेस्ट तो नहीं आ रहा। और भाई एक हरा वाला आम दे यार, पका ले वो, खा के देख लो, ले लो ना तुम। ये वाला आम भी बहुत मीठा है। वही तो, ये गुदा इस पे ज्यादा है ना। अरे खा के तो देखो, ये हरियाल आम है, बहुत राजा आम है, इसका नाम है राजा। अबे बंदर आ रहा है, चलो बे। दोस्त आशीष भाई, अरे यार उन्हें भी आम दे दिया करो आप, यार एक एक दो दो काट देते हो। अच्छा आप देखो, उनके जंगल की वनस्पति बेच रहे हो, उन्हें भी खिला दिया करो। अरे वो इतने आम खाते हैं, इतने रिश्ते नहीं है हमारे साथ। लेकिन सिर्फ फिर भी करा ना, मेरा खा का फिर है ना। क्या बता रहे? तो देखो ये आम को क्या बोल रही है, दुधिया। दुधिया आम। ये देखो, ये इतने आम लिए घर तक। अरे ये देखो, हराम की खाने की आदत पड़ गई है नंगे को। I don't know.
अभी तो बीच तो आई थी, बीच जैसा घाटा बकाया था। तो सामने रोड दिख रही वो वहाँ तो थी सामने दिख रही रोड। अबे क्या ये पागल है क्या, इतना बड़ा इंजन है क्या, इतना बड़ा है। अरे भैया गाड़ी इधर आतीश कहाँ उधर ही खड़ी हो जाती है। अबे नहीं इधर तक मैंने ले गया था भाई, मेरे लेके बहुत भी। अबे किसी भी चलना पड़ता है। अबे अपनी गाड़ी ले जाती है, हाँ जाती है गाड़ी सब गाड़ी गाइस। तो सामने देखो, सामने है जहाँ अपन को जाना है, इधर अभी जाएंगे अपन चढ़ते हुए। वो सामने दिख रहा है महादेव, ये देखो तो सामने गाइस वही वही चलना है। पहाड़ी कितनी सुंदर दिख रही है, जो कटिंग ग्राइंडर से बनाया। सामने की पहाड़ी देखिए गाइस, ऐसा लग रहा है कि कुदरती वो नहीं, कुदरती का नो नहीं है बोले तो, ऐसा लगता है कि इंसान ने बनाया होगा ऐसा कुछ।